हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अरण्या वेलनेस। आज मैं आप लोगों को लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लोग लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है और इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि चक्कर आना, खून का दबाव कम होना, नसों में विभिन्न तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, लोगों को बैठे बैठे नींद आना, और लोग हमेशा ना आलसपन जैसा फील करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसको आप लोग यूज़ करके अपने लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आप लोग कैसे घर बैठकर अपना इजी वे में इसको कर सकते हैं। चलिए मैं उन पॉइंटों को आपके सामने रखता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह से वो पॉइंट आपको लगाने हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को लो बीपी के लिए, लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सा पॉइंट है जिसको आपको लगाना है। इसमें बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें पहले हम मेथी के एक एक दाने लेंगे। बस हमारा लेफ्ट में भी 2 पॉइंट है और राइट में भी 2 पॉइंट है, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है जिसको आपको लगाना है। पहले एक मेथी के इस तरह से मेथी का एक दाना सिर्फ लेना है, और हमारे इंडेक्स फिंगर का जो पहला कट है उसके सबसे लास्ट कॉर्नर में, सबसे लास्ट में एक हमें मेथी के दाने को इस तरह से लगाना है। देखिए, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक मेथी दाना जो है वो सेंटर में लगा रखा है। उसी तरह से फिर आपको एक फिर मेथी के दाने को लेना है, और फिर इसी फिंगर में जैसे मैंने यहाँ कॉर्नर पर लगाया है, इसी तरह से ये लास्ट कॉर्नर पर इंडेक्स फिंगर का सबसे अपर जॉइंट, अपर साइड में सबसे लास्ट में लगाना है कॉर्नर के ऊपर। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, लेफ्ट हैंड का हमारा ये 2 पॉइंट है, जो कि दोनों हमारा इंडेक्स फिंगर पर है, एक इधर है और एक यहाँ पर अपर जॉइंट पर है। अपर जॉइंट नहीं मतलब अपर साइड में सबसे ऊपर में है। सेम पॉइंट आपको मिलेगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी आपको एक मेथी की दाना, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड में करके दिखाया था, इसमें भी वैसे ही लेना है और यहाँ पर इसको लगाना है, देखिए इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पर आपको फिर से वही सेम पॉइंट इंडेक्स फिंगर के अपर साइड में आपको लगाने हैं। तो बस आपको लो बीपी के लिए ये पॉइंट हैं जो कि आपको 10 से 12 घंटे डेली बेसिस पर लगा कर रखना है। अब इससे इजी वे में कोई पॉइंट हो नहीं सकता है, तो ये आप हमेशा इसको लगा कर रखें, और ये एक दिन में नहीं होगा। ये सब प्रॉब्लम जो होती है वो काफ़ी क्रॉनिक होती है, तो ये आपको डेली बेसिस पर लगाना है। आप इसको लगाएं, और जिन जिन लोगों को बेनिफिट हो रहा है वो हमारे चैनल में बताएं कि हाँ, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। दोस्तों, जैसे आप लोग हमारे पुराने वीडियो को देखकर जैसे आप लोग सब लोग ठीक हो रहे हैं, उसी तरह मैं चाहूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि लोग घर बैठे दूर दराज के क्षेत्र में भी कहीं के भी लोग हों, इसको मैक्सिमम यूज़ करके और हमारे चैनल पर आएँ और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू।